ये वाली जो ट्रिप है उसका लास्ट व्लॉग अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दीव मार्केट के अंदर, जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उसका जो नज़ारा है वो एक बार देख लो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बोट, मतलब जहाज ही समझ लो, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे भी आप जाके डिनर कर सकते हो। तो चलो, अपने बहुत ही अच्छी जगह पे आके वीडियो को स्टार्ट किया है। बस अभी ना प्लान है अपने को दीव का जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने का, तो अभी बस वही एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। और बस अभी जो है वो आपको दिखाता हूँ आगे जाते जाते चलते चलते। ये कम से कम 5-6 इतनी बड़ी बोटें यहाँ पे खड़ी की हुई है, जो हम द्वारका में बैठे थे सेम वही साइज की है। तो जो फिशिंग का काम होता है वो मेरे को लग रहा है वो यही बोटों में जाते होंगे और इसी में पकड़ के लाते होंगे, मेरे को लग रहा है जो फिशिंग वाला है वो इसमें ही होगा। तो यहाँ पे है, बढ़िया है, चलो अभी आगे जाते। और एक यहाँ पे जो एक यूनिक जो जहाज है उसको देखने के लिए जा रहे हैं अभी। तो बस अभी इसके अंदर जाने वाले हैं, और इसको ही मैं बोल रहा था ये यूनिक है कुछ, तो बस अभी यहाँ से मतलब वॉक करके अंदर जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। बट यहाँ से अभी मेरे को कूदना पड़ेगा, नीचे भी बहुत सारी चिड़िया है, दिखा नहीं पाएंगे चिड़िया, जाएंगे। चलो कूद ही लेते, बहुत सारा पाप कर लिया आज मैंने। फिलहाल अभी ये पीछे जाओ जहाज है उसमें जाने के लिए एंट्री बंद हो चुकी है, हम थोड़ा लेट हुए हैं। कोई नहीं, अभी बाहर बाहर से थोड़ा दिखाते हैं, अंदर तो है अभी 2-3 जन, बट अभी उनको ही बाहर निकाल रहे हैं, तो अभी कुछ इस तरह का है। ये अंदर जाने को मिलता है तो अपने को अंदर का पता चलता है कि अंदर का जो पोस्टर है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और इसको कैसे चलाते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं वो सब अपने को पता चलता है। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल अभी ना हम हंस हंस के थक चुके हैं। तो अभी जो जहाज अपने एक्सप्लोर करने के लिए गए थे वहाँ पे एंट्री तो हो नहीं सकी, बट वहाँ पे ना मिलन के फ़ोटोज़ में क्लिक कर रहा था, तो एक अंकल आए और मेरे पीछे खड़े रह गए और चेक कर रहे थे कैसे फ़ोटो खींच रहा है, और इसको ना मैं मतलब ऐसे बैठ ऐसे बैठ ऐसे बैठ, तो अंकल मेरे पीछे से खड़े होकर मोबाइल में ताड़ रहे थे, और इसको मन ही मन अंदर हंसी आ रही थी, बट वो गए उसके बाद हमने क्या ही हंसे, तो ऐसा हुआ। तो अभी जो दीव का पुराना वाला मार्केट है उसमें हम आए हैं, पूरा रीडेवलप करके नया बनाया है, बट अभी इसको मार्केट ही वापस अपना ओपन करेंगे या पता नहीं, बट कोई नहीं, अपने को देखना था इसलिए यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे सब्जी मंडी लग रही थी बट अभी सब बंद हो चुका है। हाँ, तो आज भी हमारा जो 15,000 स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब 10 किलोमीटर आज हम चल चुके हैं सुबह से, मतलब सोमनाथ से चालू किया था और अभी दीव मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं 10 किलोमीटर। यार बहुत ही, मतलब 3 दिन से 10 किलोमीटर चल रहा है डेली का, बढ़िया है, कोई नहीं, बट एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। अभी मिलन को वॉशरूम जाना है तो जाके आता है, तब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिलहाल अभी फूड कोर्ट साइड आए, देखते हैं क्या अपना सेट होता है, अपना कुछ सेट होने वाला है नहीं। जस्ट यहाँ पे तो नॉनवेज ही है ज़्यादातर, नॉनवेज भी मिल रहा है और अंडे बंडे का भी मिल रहा है, तो अभी पहले सोच लेते क्या खाना है, अपने को तो वेज में ही जाना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो रेस्टोरेंट, मतलब क्रूज रेस्टोरेंट है, वो अभी यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग लगा के चालू हो गया है। वहाँ पे जो अपने जहाज देखने गए थे वहाँ पे भी लाइटिंग चालू हो गया है, तो रात का नज़ारा फिलहाल अभी ऐसा है। और यहाँ पे ना ज़्यादातर मार्केट अभी खाली है, जो पब्लिक बीच पे थी वो पब्लिक, इतनी पब्लिक यहाँ पे है नहीं, साइड यहाँ पे आ चुके हैं। गोप्रो में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट कोई नहीं, लाइटिंग उतना वो सब चालू किया है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जो मेरी आंखों से दिख रहा है वो बढ़िया दिख रहा है, इसलिए हमने सोचा चलो फिर से आते हैं। और वहाँ से स्टार्ट किया है और सामने ऐसा कुछ नज़र आया, अभी देखते हैं मिलन के मोबाइल में कुछ शूट होता है तो अच्छे से शूट कर लेते हैं। We'll be right back.
फिलहाल अभी जहाँ पे जहाज था वहाँ पे हम 15-20 मिनट से ज़्यादा हम वहाँ पे बैठे, तो बैठे आराम से, अभी बस जा रहे हैं सिटी के साइड पे और चाय वाय पी के निकल जाते हैं। यहाँ पे खाने का जुगाड़ नहीं करते, बाहर जाएंगे जब भूख लगेगी तब देखेंगे कोई ढाबा वाबा मिलेगा तो वहाँ पे खा लेंगे, चाय तो पीनी पड़ेगी यहाँ पे। फाइनली बस अभी चाय पी रहे हैं दीव में, ये हमारी लास्ट चाय, बस लास्ट चाय, बड़ा कप मंगवा लिया है। तो हमारी प्यारी नैनो अभी रात को अपना पावर दिखाएगी और अभी इसमें CNG फिलअप करवाना है। ड्यू के अंदर CNG पंप भी है बट हमको याद आया नहीं, हम यहाँ पे आ गया और जो CNG पंप है वो पूरा ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर होगा। तो फिर अभी CNG फिलअप करवाने के बाद ही निकलते। तो दीव के अंदर ही अपने को CNG पंप मिल गया है तो यहाँ पे अपने फुल करवा रहे और कौन सी कंपनी, IRM एनर्जी CNG पंप, तो ऐसा कोई पंप है पहली बार कंपनी सुनी, मतलब सोमनाथ पे भी यही पंप था, कोई नहीं। चलो अपना फुल हो गया है, 2.8 kg के आसपास आया है, चलो अपने को मिल गया तो अभी टेंशन नहीं, कम से कम 100 किलोमीटर तक तो चल ही जाएगा, 125 किलोमीटर चल जाएगा आराम से, बढ़िया है। हेड मिरर को थोड़ा क्लीन कर दिया है हमने, इतना पार्ट जो वाइपर से हो सकता है उतना क्लीन कर दिया है, बाकी आगे अगर लगेगा तो ज़्यादा क्लीन कर देंगे। और अभी धूल 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 कोई नहीं, चलो बैठते हैं फाइनली। रेडी लेट्स गो। है देखो हमारा तो ये साइड का जो सीट बेल्ट है पूरा अभी जाम हो चुका है तो निकल ही नहीं रहा है, तो अभी ऐसे करके बैठना पड़ता है, बट ये तो चलो अपना चालू है, नहीं तो फिर ड्राइविंग साइड का बंद होगा तो फिर अपने कम से कम 3-4 पेनल्टी अपने भर दी होती। अभी यहाँ से अहमदाबाद 250 किलोमीटर बाकी है और फिर चाय पीने के लिए ब्रेक लिया हुआ है CU होटल में और नैनो पार्क किए, वॉशरूम जाके आए, तो अभी चाय भी पीते और थोड़ा कुछ खा लेते क्योंकि कुछ खाया नहीं है, रात का जो डिनर करना होता है वो किया ही नहीं है, तो देखते अभी अंदर क्या मिलता है। और ना दीव से 10-15 किलोमीटर मिलन ने गाड़ी चलाई थी और उसके बाद मैंने यहाँ तक चलाई है, अभी 50 किलोमीटर के मिलन को दे दूंगा, उसके बाद फिर से मैं ले लूँगा। और अभी तक हमारी गाड़ी 1110 किलोमीटर चल चुकी है और घर पे जाते जाते 1200 के ऊपर जाएगा, 1300 शायद जाएगा क्योंकि अभी 250 बाकी है, तो ऐसा है। और 6 घंटे में हम अहमदाबाद टच हो जाएंगे अपने घर। और अभी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, जब आने के लिए मतलब द्वारका जाने के लिए निकले थे तब ठंड अच्छी खासी थी, बट अभी रिटर्न अहमदाबाद हो रहा है ठंड है ही नहीं, बिना जैकेट के ही सब बैठे हैं, मिलन ने पहना है बट इतनी ठंडी है नहीं। अभी यहाँ पे ये वाले हाईवे पे भावनगर के बाद कहीं पे भी गैस मिला नहीं है, तो फाइनली अभी पेट्रोल डलवा दिया है और अभी फ्रेश भी हो गया, वॉशरूम जाना था वॉशरूम जाके आ गए और बस अभी अहमदाबाद यहाँ से कुछ 97 किलोमीटर बाकी बता रहा है। और गाड़ी ना थोड़ी हमने खींची 80-90 की स्पीड में खींच ली, पेट्रोल में की थी इसलिए आराम से चली गई, कोई नहीं अभी गाड़ी पेट्रोल में ही है और पेट्रोल फुल करवा दिया है बट अभी पॉइंट बता नहीं रहा है, थोड़ी गाड़ी हिलेगी उसके बाद पॉइंट बताएगा। और थोड़ा हेड मिरर भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं।
फिलहाल अभी यहाँ से हमने थोड़ा कुछ नाश्ता कर लिया है और अहमदाबाद वाले जो मतलब बावड़ा वाला चांगुदर वाला जो हाईवे है वहाँ पे एंटर हो चुकी है। उसके बाद रिंग रोड आएगा अहमदाबाद वाला, उसके बाद अहमदाबाद में पहुँच ही जाएंगे। तो कुछ ऐसा है और यहाँ पे जो फेमस है गांठिया वो डिश हमने खाई है, बढ़िया है। और अभी जो टाइम हुआ है तो अभी 3:40 हुआ है, तो कम से कम अभी हम 4:30-5 अहमदाबाद जो हमारा घर है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चुके हैं और मिलन के फ्लैट के सामने अभी गाड़ी खड़ी की है। मिलन अपना जो भी सामान है वो नीचे उतर रहा है और सो गया था बंदा, इसलिए अभी ज़्यादा एनर्जी है नहीं और मेरे में भी एनर्जी है नहीं बिल्कुल ही। और यहाँ से मेरा घर 10 का रास्ता है और अभी 5:30 बाकी है, तो सुबह सुबह पहुँच गए, बस अभी 1-1.5 में उजाला हो जाएगा। तो जो जहाँ से निकले थे वैसे ही अपने वापस आ चुके हैं, बढ़िया है। चलो कोई नहीं, गाड़ी को अभी बाहर ही क्लीन करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट वाली हो चुकी है। तो चलो अभी इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। बाय बाय।